नैनीताल में सिख रहनुमा का कत्ल भारत की इंतहा पसंदाना पॉलिसियों का नतीजा है। हिंदुत्व नजरिया पूरे खित्ते के लिए खतरा है। निगरा वज़ीर आज़म का अमरीकी थिंक टैंक काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस में खिताब, कहा भारत समेत तमाम ममालिक के साथ खुशगवार ताल्लुकात चाहते हैं। कैनेडा और भारत के दरमियान कशीदगी उरूज पर हरदीप सिंह के कत्ल में भारतीय एजेंसियों के मुलव्वस होने के सबूत मौजूद हैं। जस्टिन ट्रूडो डट गए, वाकया नाकाबिले बर्दाश्त करार, भारत से संजीदगी का मुजाहरा करने का मुतालबा। अमरीका का एक बार फिर कैनेडा का साथ देने का ऐलान। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सिलियोन कहते हैं कातलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना होगा। कनाडा ने भारतीय दहशतगर्दी का मुकदमा दुनिया के सामने पेश कर दिया। माजी में कुलभूषण समेत भारतीय दहशतगर्दी के बहुत सारे सबूत अक़वामे मुत्तहिदा को फराहम किए गए, मगर पजीराई नहीं हुई। आलमी बरादरी अब इंडिया से जवाब मांगे। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर मसूद खान का समाको खसूसी इंटरव्यू, कहा वज़ीर आज़म जनरल असेंबली से खिताब में कश्मीर और फलस्तीन का मसला उठाएंगे। आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। इलेक्शन कमीशन के बड़े ऐलान से भाम खत्म। हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर और हतमी लिस्ट 30 नवंबर को शाया होगी। पोलिंग 54 रोजा इलेक्शन प्रोग्राम के बाद कराई जाएगी, अलामिया जारी। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार। दिन में आज से तेज हवाओं के साथ बारिशों की पेशगोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सदा सरफराज के मुताबिक मानसून सिस्टम कराची से बाहर हो गया, शहर में रिमझिम का इम्कान नहीं। और कौन होगा इन, कौन होगा आउट, खत्म होंगे सारे डाउट। वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान आज होगा। चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक खिलाड़ियों के नाम बताएंगे। मेगा इवेंट का आगाज 5 अक्टूबर से भारत में होगा।